अलमेक तो आज क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट जो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फर्स्ट है ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव से क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो था फोर तक वहाँ तक हमने किया था राइट तो आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइव है ंग the 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 no तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले समझना होगा उनकी डायग्राम कैसे बनेंगी फिर उन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे ठीक है तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है एक जो काइट है काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ सिक्सटी मीटर ग्राउंड सो एक काइट है राइट right? ये ग्राउंड से ऊपर कितना है सिक्सटी मीटर इसकी ग्राउंड से ऊपर जो डिस्टेंस है सिक्सटी मीटर है दिटरिंग एटैच टू द काइट इज ऑन द ग्राउंड और जो sit, इस काइट की राइट right? वो टाई करके हुई है ग्राउंड पे एक जो पॉइंट है उसके साथ वो बांधा गया है राइट द इनकिलेशन ऑफ द स्टरिंग विद्राउंड डिग्री और ये जो स्टरिंग ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ ऑफ एलिवेशन वो है डिग्री फाइंड द द लेंथ स्टरिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द दिंग तो हमें स्टरिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है राइट right? तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा राइट right? पहले इसकी डायग्राम हमें समझनी होगी डायग्राम की कैसी बनेगी तो आप लोग देख सकते हो ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ सिक्सटी मीटर अबो द ग्राउंड सपोज मैं यहाँ पे कर कर लेता हूँ यहाँ पे एक काइट है सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक काइट है सपोज ये मैं के के काइट साथ ले रहा हूं यहां पे ठीक है सपोज ये काइट है यहां पे और ये जो काइट है ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस है 60 मीटर यानी कि ग्राउंड से कितना दूर है 60 मीटर तो सपोज ये मैं ग्राउंड लेता हूं तो ये ग्राउंड से कितना दूर है 60 मीटर राइट सपोज ये 60 मीटर ग्राउंड से दूर है द दिटरिंग अटैच द काइट इज टम्पली टाइज टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है सपोज यहां पे एक पॉइंट है यहां पे मैं सपोज Uh, करके चलता हूँ यहाँ पे पॉइंट पी है ग्राउंड पे तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है राइट right? ये जो पॉइंट है इसको टाई इसके साथ टाई किया गया है ये जो काइट की सिटरिंग है सपोज ये काइट की सिटरिंग यहाँ से आई और इसको मैंने टाई किया इस पॉइंट के साथ राइट right? सपोज मैंने इसको यहाँ पे इस पॉइंट के साथ बांधा ये जो काइट की सिटरिंग है द इनक्लिनेशन ऑफ द सिटरिंग विद द ग्राउंड इज सिक्सटी डिग्री तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 60 डिग्री फाइंड द द लेंथ ऑफ सिटरिंग दैट इज नो स्लैक इन द सिटरिंग तो अब हमें क्या करना है सपोज मैं ग्राउंड जो होता है प्लेन होता है ये हमें प्लेन ऑलवेज लेना होता है तो आप लोग देख सकते हो ये अब कौन सी ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें ये जो सिटरिंग है इस सिटरिंग की हमें लेंगत बतानी है इस सिटरिंग की लेंगत क्या होगी समझ आया क्वेश्चन राइट तो आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो बन रहा है ये ट्राएंगल बन रही है हमें इसको राइट एंगल ट्राएंगल की शेप में लेना है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम काइट टू ग्राउंड राइट वो है सिक्सटी मीटर तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें अच्छे से समझना होगा क्वेश्चन पहले डायग्राम समझ में आनी हो चाहिए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे मैं ये जो डायग्राम है दैट इज पॉइंट ए पॉइंट ए जो मेरा है ये काइट है और ये ग्राउंड से कितना दूर है दैट इज ए बी जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सिक्सटी मीटर है राइट right? तो ये जो ए सी है ए सी फिर यहाँ स्ट्रिंग बनेगी ए सी इज स्ट्रिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये ए बी जो है ए बी यहाँ पे कितना है ये जो ए बी है ए बी है सिक्सटी मीटर और उसके बाद ये जो ए सी है ए सी है स्ट्रिंग अगर ए बी सिक्सटी मीटर है तो हमें ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी यानी कि ए सी की डिस्टेंस कितनी होगी बात समझ में आ गई हमें एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है राइट हमें बताना ए सी कितना होगा लेकिन ये जो एंगल सी ग्राउंड के साथ बन रहा है ये बन रहा है सिक्सटी डिग्री राइट यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो अच्छे से एक डायग्राम हमारे पास बन गई लेकिन ये जो डायग्राम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो चलिए यही मैं ट्रांसलेट पहले करता हूं

उसके बाद आल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी इन ट्राइंगल नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी अब हमारे पास ट्राइंगल है कौन सी ए बी सी लेकिन अब आप लोग को यहाँ पे ख्याल रखना है एंगल सी गिवन है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है ए बी तो ए बी क्या बनेगा यहाँ पे एबी तो परपेंडिकुलर बनेगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है जब परपेंडिकुलर गिवन होगा हमें ac निकालना है लेकिन परपेंडिकुलर गिवन है जब परपेंडिकुलर गिवन होगा तो फिर कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन साइड यहाँ पे कौन सा है ab डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड रिक्वायर्ड साइड यानी कि जो निकालना साइड है हमें जो फाइंड आउट करना है वो साइड कौन सा है

ये बनेगा साइन लेकिन एंगल यहाँ पे कौन सा है 60 मींस आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री बस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए फिर इसके बाद बस कैलकुलेशन है राइट right? तो अब जो ए है ए है यहाँ पे 60 मीटर अब वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यू सब शूट करेंगे ए हमें फाइंड आउट करना है यानी कि ए सी आई सी रहेगा और साइन 60 का वैल्यू हमें पुट करना होगा तो ए

वहीं पे रहेगा ये अंडर रूट थ्री जब हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा ए सी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिवाइड बाई अंडर अब इसको राशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है तो हमें अंडर रूट थ्री सेटर को भी मल्टीपल करना होगा और डिनोमिनेटर को भी तो ए सी का वैल्यू क्या आएगा वन ट्वेंटी इन अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई

राइट थ्री जीरो जीरो तो एसी का वैल्यू क्या आएगा फोर्टी अंडर रोड थ्री तो ये डिस्टेंस होगी ये लेंथ होगी किसकी सिटरिंग की इस तरह से दियर the तो फोर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है राइट right? पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा डायग्राम कैसे बनती है डायग्राम में क्या क्या गेउन है जब आप लोग को ये समझ में आ जाएगा फिर आप लोग क्वेश्चन पे आ सकते हो राइट right? तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप लोग एक लेक्चर या एक जो क्वेश्चन होगा उसको अगर आप लोग को आधा घंटा भी चेक करना होगा क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत ज़्यादा है तो एक ये जो ए, एक एक क्वेश्चन उससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सकता है और अच्छे से समझ में आ सकता है तो पर डे एक एक क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है क्योंकि लॉकडाउन में अभी आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय इज़ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए थर्टी मीटर टॉल बिल्डिंग The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. Question को पहले समझना होगा, ठीक है? बहुत ही important question है, बहुत बार exam में पूछा भी गया है. तो question है हमारे पास यहाँ पे a 1.5 meter tall boy. यहाँ पे पहले हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1.5 मीटर समझ में आ चुका होगा दो बातें की गई यहाँ पे एक तो हाइट है, एक तो यहाँ पे है, जिसकी है meter, और यहाँ पे जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट है थर्टी मीटर तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है एक बच्चा जो है एक लड़का जो है जिसकी हाइट वन मीटर है तो सपोज मैं ये लेता हूं ये है, ये 1.5 मीटर लाइन में लेता हूं सपोज ये एक बॉय है राइट right? और ये सामने खड़ा है किसके सामने खड़ा है बिल्कुल के सामने खड़ा है लेकिन एट डिस्टेंस। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है समझ में आ गई बात एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर सपोज ये मैं ए बी लेता हूं राइट right? ये जो बॉय है इसकी हाइट में ए बी लेता हूं और ये जो है ये बिल्डिंग ये मैं सी डी लेता हूं सबको समझाने के लिए ठीक है मैं डाय मैंने डायग्राम इसमें बनाई है लेकिन पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा ठीक है तो ये बॉय है और ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की भी हाइट गिवन है बिल्डिंग की हाइट कितनी है थर्टी मीटर राइट तो ये जो बॉय है ये खड़ा है बिल्डिंग के सामने बट एट सम डिस्टेंस यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिस्स आइज अब ये जो बॉय है यहां पर जो बॉय है इसकी जो आइज है वहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कहां तक टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप पे इनक्रीज फ्रॉम थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री एस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग यानी कि इसका मतलब है ये जो बॉय है ए बी ये पहले चेक कर रहा है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप के साथ सपोज ऐसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बिल्डिंग के टॉप के साथ राइट तो पहले जो इसका एंगल यहां पे बनता है वो बनता है थर्टी डिग्री राइट ये हमें हॉरिजेंटल लाइन लेनी होगी यहाँ पे क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हॉरिजेंटल लाइन से के बीच में और जो आई कंटेक्ट होता है राइट तो पहले ही पॉइंट ए पे था इसकी जो आइज है राइट right, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां तक बिल्डिंग के टॉप तक एंगल कितना है यहां पे बन रहा है इसका थर्टी डिग्री लेकिन अब क्या हो रहा है अब ये बॉय जो है ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग सपोज ये बॉय जो है ये यहां तक आ पहुंचा इस पॉइंट तक आ पहुंचा यहां तक राइट right? यहां तक ये पॉइंट यहां तक ये बॉय

फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग तो हमें फाइंड आउट करना है इसने कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ कंप्लीट कर ली तो ये सपोज ये यह यहां पे मैं पॉइंट पर e लेता हूं राइट तो ये बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा ए ई -E. ये क्वेश्चन की डायग्राम बन रही है राइट तो इसको मैं अच्छे से अब डायग्राम समझा लूंगा आप लोगों को ये इरेज करता हूं ठीक है तो देखिए इसकी डायग्राम कैसे बनेगी हाँ ये देखो पी आर जो है इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो जो पी आर है, पी आर बॉय है जिसकी हाइट कितनी है मीटर पी जो पॉइंट पॉइंट पी जो है, जो आईज है दैट इज आइज ऑफ द बॉय एन की लड़का है है उसकी आइज तो ये जो ए बी है ए बी है ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट थर्टी मीटर है राइट right? तो पहले ये पॉइंट पी पे था अब जब ये आगे बड़ा बिल्डिंग की ओर राइट right? पहले इसका जो एंगल था वो कितना था थर्टी डिग्री अब ये आगे बड़ा बिल्डिंग की ओर तो Uh, कहाँ तक पहुंचा पॉइंट क्यू तक पॉइंट क्यू पे उसने और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया बिल्डिंग के टॉप से तो वो एंगल कितना है 60 डिग्री तो हमें ये बताना है इसने बिल्डिंग जब ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ा इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की तो बिल्डिंग की बिल्डिंग तक जाने के लिए इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल की दैट इज पी क्यू क्यू इसने डिस्टेंस ट्रावल की तो हमें इसी पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी राइट तो पहले आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं ये पी आर है पी आर क्या है वन पॉइंट फाइव मीटर तो सीबी भी कितना होगा ये भी वन पॉइंट फाइव मीटर होगा क्वेश्चन पे आप लोग देख सकते हो ठीक है ना ये जो पी आर है पी आर क्या है ये जो पी आर है ये देखो ये पी आर है ये वन पॉइंट फाइव मीटर है तो अगर ये पी आर वन पॉइंट फाइव मीटर है तो फिर यह सीबीसी तो, right? तो फिर आप लोग ए सी को फाइंड आउट कर सकते हो यस ए सी तो फिर आसानी से आएगा थर्टी माइनस वन पॉइंट फाइव ट्वेंटी राइट तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं

आर इज इक्वल टू बी सी यानी कि जितना पी आर है उतना बी सी बी होगा दोनों का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर राइट तो उसके बाद ए सी इज इक्वल टू तो फिर आप लोग बता सकते हो ए सी का वैल्यू फिर क्या आएगा बस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की लेंथ क्या आएगी जहां से मैं डॉट्स डाल रहा हूँ राइट right? बस हमें ये ए सी फाइंड आउट करना है एसी किसके बराबर है टोटल डिस्टेंस माइनस सी बी यानी कि ए बी माइनस बी सी तो ए बी माइनस बी सी ए बी का वैल्यू कितना है थर्टी माइनस बीसी का वैल्यू कितना है meter, लेकिन बी सी हम पी आर के राइट right? तो ये वैल्यू कितना आ ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर राइट तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं जो ए सी है एसी का वैल्यू फिर क्या आता है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो एसी का वैल्यू आया अब ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ना अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना लेकिन पी क्यू डायरेक्टली नहीं आएगा पी क्यू के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे ये वाली डिस्टेंस जो पी टू सी है पहले हम फाइंड आउट करेंगे पी टू सी राइट पी सी किस ट्राइंगल में आता है ए पी सी उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्यू सी ये वाली डिस्टेंस तो फिर आसानी से हम पी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं पी क्यू किसके बराबर आएगा आएगा पी सी माइनस क्यू सी तो पहले हमें पी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो फिर किस ट्राइंगल में जाएंगे नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू कौन सी ट्राइंगल हम उठाएंगे A, P, इस ठीक ठीक है है ना ना नाउ इन राइट एंगल नहीं नहीं हम उठाएंगे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे ये ए पी सी है कौन सी ट्राइंगल हम उठाएंगे ए पी सी मैं ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इनके अलग कर रहा हूँ ट्राइंगल को आप लोग देख सकते हो ये वाली ट्राइंगल मैंने इसमें इस बाहर निकाली है कौन सी ट्राइंगल ए पी सी ये वाली ट्रो मैंने ली ठीक है ना इसमें गिवन साइड कौन सा है ए सी तो पीसी हम इसमें निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन एंगल इसमें कितना है एंगल जो है वो है थर्टी डिग्री तो अब इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी देखो ये वाला एंगल तो इसमें गिवन है ये तो 30 डिग्री है ठीक है ना परपेंडिकुलर साइड ये फिर ये बनेगा अब कौन सी फॉर्मूला यूज होगी गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड गिवन साइड कौन सा है ए सी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड कौन सा है पीसी एसी डिवाइड बाई पी सी

यहां तक क्लियर अब जो है मैंने पीसी को हाईलाइट भी यहां पे किया है क्योंकि ये आगे हमें और भी यूज होगा तो पीसी का वैल्यू अब हमारे पास क्या है ट्वेंटी जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका मतलब है अब हमें जो आ, ये वाली ये वाला साइड इज पीसी वाला साइड अब हमें आ चुका है पीसी की लेंथ क्या आई ट्वेंटी रूट ऑफ थ्री ऑल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल अब हम कौन सी ट्राइंगल उठाएंगे ए सी क्यू ये वाली ट्राइंगल हम उठाएंगे सी क्यू ये वाली ट्राइंगल हम उठाएंगे राइट इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं इसको मैं अलग कर रहा हूं समझाने के लिए तो ये मैं बाहर इस ट्राइंगल को लेके आया कौन सी ट्राइंगल ए क्यू सी राइट तो इसमें क्या है इसमें ए सी गिवन है ये जो ए सी है ए सी इसमें अगेन है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव लेकिन इसमें जो एंगल है वो एंगल है सिक्सटी डिग्री तो ये अगर ये एंगल है ये ए सी साइड क्या बनेगा परपेंडिकुलर साइड क्योंकि अब हमें क्यों सी साइड निकालना है परपेंडिकुलर तो गिवन है अब कौन सी फॉर्मूला यूज होगी गिवन साइड डिवाइड बाई रिक्वायर्ड साइड ए सी डिवाइड बाईसी ए सी डिवाइड बाई क्यूसी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो क्या बनेगा टैन ऑफ डिग्री टैन सिक्सटी डिग्री किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री तो वैल्यूज पुट करेंगे ए सी ए सी है इक्वल रूट ऑफ़ अब क्रॉस करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम वन लिख सकते हैं तो क्यू सी मल्टीपल होगा साथ तो क्यों तो सी का वैल्यू क्या आएगा ट्वेंटी रूट ऑफ थ्री इसको रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर बोस एंड डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से

तो तो ये बना 15, 3500, 15. तो क्या बना 15, तो क्या वा तो अब अब आप लोग डायग्राम में देख सकते हो ये जो PC है PC भी हमारे पास है और क्योंसी भी वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग बिल्डिंग की तरफ इसने कितना ये बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा बस पी क्यू यही भी बड़ा तो पी क्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा

माइनस पी क्यू पी क्यू का वैल्यू है नाइन पॉइंट फाइव स्कैर रूट ऑफ थ्री तो आप लोग यहां पे देख सकते हो दोनों में कॉमन है स्कैर रूट ऑफ थ्री यहां पे भी है और स्कैय रूट ऑफ थ्री यहां पे भी है स्कैर रूट ऑफ थ्री को हम कॉमन लेके आएंगे राइट तो अंदर क्या बचेगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस नाइन पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस नाइन पॉइंट फाइव इसमें से माइनस कर लो वहां पे बचेगा नाइनटीन राइट तो जो पी क्यू है उसकी डिस्टेंस आएगी 19 और साथ में रूट ऑफ थ्री है तो ये क्वेश्चन का सोलूशन हुआ ठीक है ठीक ना एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन बिल्कुल इसी की तरफ ये भी है

तो क्या हुआ है यहां पे एक बिल्डिंग है सपोज यहां पे एक बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है ठीक है ना ये बिल्डिंग है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे पॉइंट है ये बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट है ट्वेंटी मीटर ठीक है अब क्या बता रहा है क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं सॉरी यहां पे सपोज मैं कर लेता हूं यहां पे एक बिल्डिंग है ठीक है ये बिल्डिंग है है इसकी हाइट ट्वेंटी मीटर इसकी हाइट है ट्वेंटी मीटर और ग्राउंड पे एक पॉइंट है सपोज ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे ठीक है अब क्या हो रहा है इस पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे इस पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए ठीक है तो ये जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट भी है ठीक है? है, है? ले है, है लेकिन कहां तक बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर अभी तक तो बिल्डिंग थी अब टावर भी इसमें आ गया तो टावर कहा है फिक्सड एट द टॉप ऑफ ए ट्वेंटी मीटर हाई बिल्डिंग तो ये जो बिल्डिंग है सपोज ये बिल्डिंग में ए बी ले रहा हूं ठीक है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ठीक है तो ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के टॉप पे टावर फिक्स किया गया है सपोज ये बिल्डिंग का टॉप है तो इसके ऊपर अब टावर है ये वाला ठीक है जो मैं कलर इसलिए मैंने चेंज किया ताकि आप लोग तो को समझ में आ गए आ जाए ठीक है तो ये इसके ऊपर टावर है सपोज ये टावर है टावर कहाँ पे फिक्स है टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है तो इस पॉइंट से लेके पहले बॉटम तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फिर टॉप तक क्योंकि पहले बॉटम की बात कर रहे हैं ठीक है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ये जो टावर का बॉटम है वहां तक पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऐसे ठीक है ये पहला एंगल कितना बन रहा है यहां पे वो है 45 तो ये वाला एंगल 45 है ये कहां तक बना फ्रॉम पॉइंट पी टू द बॉटम ऑफ द टावर और फिर अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लेकिन अब तक एंगल ऑफ ऑफ एलिवेशन बन रहा है है टॉप टॉप द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन टावर टावर तो का जो है, वहां तक और दूसरा एंगल बन रहा है ये दूसरा एंगल ये वाला एंगल ये पूरा कंप्लीट एंगल ये एंगल कितना है अब ये सिक्सटी डिग्री है ठीक है तो ये मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो आप लोग देख सकते हो कैसी डायग्राम बनती है पहले बिल्डिंग थी बिल्डिंग की हाइट थी 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स था ठीक है अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है उस पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कहां कहां तक बॉटम एंड टॉप तक राइट तो हमें क्या करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है इनके हमें ये टावर फाइंड आउट करना है इसकी हाइट कितनी होगी ये क्वेश्चन था ठीक है ना तो अब आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा इसको और जर्नलाइज कर लेता हूं अच्छे से एक डायग्राम बना लेता हूं ठीक है तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना लेता हूं देखिए ये जो ए बी है यहां पे, ए बी जो है ए बी है बिल्डिंग ए बी है बिल्डिंग मुझे कर्सर का टाइ, ये जो इंक है वो चेंज करना होगा कलर चेंज करना होगा ठीक है यस yes. तो ए बी है ये जो ए बी है ये बिल्डिंग है ठीक है इसकी हाइट कितनी है ट्वेंटी मीटर और पॉइंट पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है ये पॉइंट भी है पॉइंट ऑन द ग्राउंड राइट इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कहां तक ये जो टावर है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट टावर है दैट इज एसी वाला पार्ट टावर है ये वाला पार्ट ये टावर है लेकिन ये कहाँ पे फिक्स हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे तो ए जो है ये बॉटम ऑफ टावर है और सी जो है ये टॉप ऑफ द टावर है राइट तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है इसकी इस टावर की हाइट हमने क्या ली यहाँ पे h मीटर तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहे हैं इसी पॉइंट से लेके पहला पहला एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए तक जाता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री फिर इसी पॉइंट से बॉटम के टावर के टॉप तक जो दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये कितना बन रहा है 60 डिग्री राइट लेकिन यहां पे आप लोग को ख्याल रखना है जो ए बी है दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो गिवन है क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बहुत ही आसान करना है ठीक है बहुत अच्छे से समझ में फिर आएगा तो फिर इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ लेट ए बी इज इक्वल ट्वेंटी ए सी है वो टावर है फिक्सड एट द टॉप ऑफ द ट्वेंटी मीटर टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो जो टावर है वो फिक्स किया गया है बिल्डिंग के टॉप पे सच दैट एंगल सी पी बी इज इक्वल सिक्स डिग्री तो एंगल सी वो ये कितना है 45. हमें टावर की आउट करनी होगी so मैं लेट, so मैं इसकी जो ले रहा वो ले रहा रहा वो ठीक है द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर राइट तो अब मैं ये वाली डायग्राम जो है ये वाली ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसको मैंने थोड़ा सा शेड किया यहां है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे शेड करना थोड़ा मुश्किल काम है तो आप लोग देख सकते हैं ये शेड वाली ट्राइंगल जो है उसको मैं ले रहा हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए बी पी ये वाली ट्राइंगल मैं बाहर लेके आऊंगा और इस ट्राइंगल में मैंने यही ट्राइंगल क्यों ली है मुझे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ए पी बी इसमें ए बी साइड पूरा कंप्लीट है इस साइड से मेरे पास जो साइड आ सकता है दैट इज पी बी जो बड़ी वाली ट्राइंगल का फिर एक कंप्लीट साइड बनेगा ठीक है ना तो मैं कौन सी ट्राइंगल उठा रहा हूं ए पी बी तो इस ट्राइंगल में ये जो मैं अलग कर रहा हूं इस ट्राइंगल को आप लोग देख सकते हो कौन सी ट्राइंगल मैंने उठाई ए पी बी राइट तो ए पी बी जो ट्राइंगल है इसमें ए बी पूरा कंप्लीट गिवन है वो ट्वेंटी मीटर है राइट right? और ये जो एंगल पी है यहां पे ये इस टाइम है फोर्टी फाइव ट्राइंगल में आप लोग चेक कर सकते हो ठीक है ये 45 है अगर ये एंगल पी गिवन है तो ये साइड क्या बनेगा परपेंडिकुलर फिर कौन सी दैट ए बी डिवाइड बाई पीबी राइट ए बी डिड बाई इक्वल टू टेन ऑफ फोर्टी फाइव क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है कितना 45. बना है क्योंकि बना है पे, right? अब करेंगे. तो यहाँ पे जो है दैट इज A, B, A, B है मीटर डिवाइड हमें फाइंड आउट करना है, 10, 45, 10, 45 का है 1. टेबल में चेक कर सकते हो आप लोग मल्टीपल तो करेंगे 20. तो P, का यहां पे क्या बना ट्वेंटी मीटर तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पीबी है वो ट्वेंटी मीटर बना राइट तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है इसमें पी बी साइड अब ट्वेंटी मीटर बन गया है तो अब हम उठाएंगे ट्राइंगल सी बी पी हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए सी जो हमने एच लिया है तो अब हम कौन सी ट्राइंगल उठाएंगे सी बी पी सी बी पी ये बड़ी वाली ट्राइंगल हम अब उठाएंगे ठीक है ना तो ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसमें अब क्या है अब पी बी साइड गिवन है लेकिन ये वाला साइड ये 60 डिग्री है तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बी सी डिवाइड बाई पी बी बी सी डिवाइड बाई पी बी राइट इज इक्वल टू वो वाइव कौन सा बनेगा दैट इज दिक्सटी बी सी हमारे पास क्या है बीसी पेंडिक्यूलर डिवाइड बाई पी बी पी बी है 20 दैट इज बेस पर पेंडिक्यूलर डिवाइड बाई पे बेस वो बनेगाज टेन uh, और यहाँ पे जो एंगल है कॉम्प्लीट एंगल वो है 60 डिग्री तो बीसी अब हम देखेंगे बीसी बीसी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है पूरा बीसी बी सी ये वाला पार्ट है राइट ये वाला पार्ट आप लोग देख सकते हो ये बी सी है तो बीसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी अगर मैं लिखूंगा यहां पे ए बी प्लस ए सी तो फिर अगेन बी सी ही बना तो बीसी का वाले हम पुट करेंगे यहां पे तो बीसी में लिखूंगा ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई पीबी पीबी तो ऐसे ही था इज इक्वल सिक्सटी टेन सिक्सटी का वाले स्कोर रूट ऑफ थ्री

तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लेते हैं इसका डिवाइड कुछ नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का तो डिवाइड आएगा तो फिर क्या बनेगा डिवाइडी मीटर प्लस एच इज इक्वल टू ट्वेंटी को तो ट्वेंटी मीटर प्लस एच बनेगा इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू स्कैयरूट ऑफ थ्री तो एच को हम वहीं पे रहने देते हैं ट्वेंटी को शिफ्ट कर लेते हैं ठीक है तो एच का फिर क्या क्या आएगा ट्वेंटी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस ट्वेंटी क्योंकि इस प्लस ट्वेंटी को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये माइनस ट्वेंटी बनेगा तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे भी ट्वेंटी है और यहाँ पे भी ट्वेंटी है दोनों में कॉमन है ट्वेंटी तो ट्वेंटी को हम बाहर लेके आएंगे एच विल भी इक्वल टू यहाँ पे जब मैंने ट्वेंटी को बाहर निकाला तो स्कोयर रूट ऑफ थ्री बचा और यहाँ पे जब मैं ट्वेंटी को बाहर लेके आया तो यहाँ पे वन बचा तो क्या बचा यहाँ पे फिर लास्ट में ट्वेंटी इंटू स्क्र रूट ऑफ थ्री माइनस वन तो फिर हम क्या लिखेंगे दियर फोर द हाइट ऑफ द टावर इज तो एच यही है ना हाइट ऑफ टावर तो दियर फोर हाइट ऑफ टावर इज हाइट टावर की हाइट जो बनी वो क्या बनी ट्वेंटी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन तो ये कुछ क्वेश्चन थे दो तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस थे जो मैंने आप लोग को इस टाइम दिखाए तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से हर एक दिन में एक ही क्वेश्चन आप लोग करते जाओ तो इस तरह से मैं भी आ, मुझे भी आ, फिर आसानी होगी और आप लोग को भी आसानी होगी ठीक है चलिए